राजा को दरबार में है नौकर भमरताल। जब श्री रघुनंदन का नौकर और रघुनंदन का नौकर का ताल था, रघुनंदन का क्या मंगजी ताल था और बुद्ध का भमरताल था। मंगजी ताल को छोड़ के और श्री राजा नल ने भमरताल पर पत्नियां छोड़ दी। नौकर कछु मारे कछु मार भजाए और कस जुटा बांध के सामल लगा दी। तो नौकर आता है दरबार में राजा पद के, तो आगे क्या होता है? चले जयवंती के ताऊ दावत लेन से बैठा रही हो? लेन से नहीं बैठा रहा हूँ मैं, तेरी गुरंदाल। हाँ देखिए आपका जो नौकर है उसने भमरताल का पानी खराब कर दिया और मेरे नौकर मारे हैं और कुछ जुट्टा से सावल लगा दिए, बंधे पड़े हैं। दावत बाद में खाओगे अगर चलिए तुझे और तेरे रेतवा को देखूंगा चल के। नो कह रहे हो कि तेरे यहाँ जो रेतवा रेतो पानी पियाने का हूँ। हाँ बाने भमरताल पे बहुत से मार डाले और सावर डाल दी। देख रहे हो एक आदमी वैसे ये तो काम कर सकते है, कर नहीं सकता है तो दावत चाचे हम मार दे। चल भमरताल को चलते उसके बाद में दावत खाओगे। चलो चल के देखेंगे। इधर दावत चल रही है आ रहा हूँ भाई। इधर दावत चल रही है इधर राजा बुद्ध ने हाथी सजाए दो शेर मेरे राजा बुद्ध भाती। पटरा कर दो महाराज, नुकसान तो काफी है। देखिए नुकसान काफी है, जितने मल राजा बुद्ध के हैं सालों ताकत लगा ली मगर गले में सावल नहीं निकली। रघुनंदन अपने नौकर को बुला, अगर सावल नहीं निकली तो देख लेना क्या हो लोग आपको रहना कर रहा करोगे महाराज। अरे जिंदा गड़माया दिंगो तेली तो को तेरे नागर का महाराज लालिख ली तो तेरा हाथ से बेला है हो जाएगा। महाराज मैं जाता हूँ। ठीक है जाइए।
जरूर बुला के लांगो। जाइए फटाफट, ठीक है, करने का काम नहीं है। इधर रघुनंदन उस भमर ताल से और वापस आता है अपने कुलवारे के लिए। आज जाने देखो तो कहा करते हो, मेरी जान फंदा में है, जादन मेरे जाओ तादने भिनक रहो, कते मोता जो आज जाने बताओ कतल चालू कर दे। बताइए जाने मेरी जान ऐसे फांसी है इसका कोई जवाब नहीं, चलो चलता हूँ। रोवती जाने रोवती रघुनंदन आए रहो सुनो ताला अगुमा होता अरे कौन से पंचो से फांसी है जाएगी सुनो मोको मेरे नाम वाले ले बच्चे गोल बन जाता है जाकर के। यहाँ पर रेतवा था, आज जाते ही जात फटकार के भजा दिंगो, बताओ जाने कतल शुरू कर दे कतल, चलो चलता हूँ। ओफो आ तो मऊ से बहन चो दुआ सलाम और जय राम जी की नहीं कर रहा हूं आ तो और ही हम में भैया राम 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 तालन पे गए झगड़ो भाव हाँ झगड़ो भाव कई बात पे का फर्क कैसे मोते नौकर बोले काफर के नौकर बोले मोसे बताओ काफर कल हाँ अरे मोसे कछ के तो जे काफर के तो जे पापर के तो बताओ दो से क्यों कही आज तेली सुरकाई देख देख के और कांप रहे हुए भैया हाँ एक काम कर रुक जा यार कछ मुंह में से लकड़ी हो तो ना दे जो तेरे करो सो अच्छो करो। अब यार तू मेरे यहां से जा कहां के ले क्यों जाओ पूछ रहे हो क्यों जाओ क्या बात है रोते क्यों यार बारे बारे का बच्चा मेरे परवाए देखो लू को चिंता यार छोड़े गो सोनो Alright.
छोड़ेगा तेने गलती करिए काफी चल मेरे संग तो जुब्बा लाऊं माफी कितनी देर है कितनी देर है कि जो तक तू मेरे पिंगल मेरे वो तब तक जब कुलवारी में आधा घंटा की मोको मोहलत दे पाए पिंगला बसेगी भंग में पेना खोद की लाजा को तालो पलाए दो मेरे भैया मैं दे सकते मानो ना यार का पूरा जो तो भैया लड़ने को तैयार है बताओ जाए कोई दहशत ही ना है लास्ट पे लास्ट धड़े को और का पर यार मैं ना बचंगो क्या तू मेरे संग ना चलेगो तो तू नहीं बचेगा हाँ कैसे बचेगो तू तू मेरे संग चले और बाय राम राम और दुआ सलाम कर चली गई अच्छा मैं हाँ नहीं बाबा लगा के सुनी राजन का शीश में काऊ को झुकावो नाय तेरे ताए भैया शीशो झुकान ए राठौरी मोको दे सती पुतकिय नाय बात में नी करवाए दे बामनगढ़ के राजा बैठे होंगे वहां पर तू शीश नहीं नभाएगा किसी को शीश नहीं झुका सकता और मोए शीश नभा दे तेरे लिए ऐसी मोह में क्या खासियत है तो मैं हाँ तो मैं ऐसी खासियत है अरे हम जैसे तो भैया बहुत हुए हम जैसे तो भैया बहुत हुए तुम जैसे एक हाँ ठीक कह रहे हो एक काम करो तू किसी के लिए नहीं झुकाएगा मेरे लिए झुका देगो चल मिली झुली सरकार नभाला चलंग ऐसी कौन सी खासियत थी से मोई नवा भैया तो मैं खासियत है कौन सी खासियत है अरे मो पैर उठ गए भैया मोर लिए वारे अरे भाई दिल कहे गरीबी के आए संगल रानी ढोलो बामन करवे मेरे भैया ना डारी मुट्ठी बंदी भीग ध्यान मोए के न को लावे रे हाँ इतनी बात है मैं चलंगो जरूर मगर किसी को शीश नहीं झुकाऊंगा ठीक है तो लिवा चल चल बराबर में मैं राजा को कर लूंगो तू मो कर लियो बराबर में सरकाए ले चलंगो ठीक है हाँ चलो